इस डिवाइस की मदद से आपसे आपकी बाहर की जो लाइट है उसे बंद करना नहीं पड़ेगा। आपसे आपकी जो बाहर की लाइट है वो सुबह होते ही अपने आप ही बंद हो जाएगा और फिर शाम होते ही अपने आप ही फिर से चालू हो जाएगा। ये एक ऑटोमेटिक ऑन ऑफ डे नाइट स्विच है, इसे देख सकते हैं और यही बड़े ही काम की चीज़ है। ज़्यादातर हमारे दुकानों में या घर में जो बाहर के लिए जो हम लाइट यूज़ करते हैं तो अक्सर हम भूल जाते हैं या दुकान में हमें जाते जाते लगभग 10-11-12 बज जाते हैं और हमारा पूरा दुकान का जो बाहर का लाइट है पूरा दिन भर तक जलता रहता है या घर के बाहर का जो लाइट है हम भूल जाते हैं दिन भर तक जलता रहता है जिसकी वजह से हमें दुगना बिल पे करना पड़ता है। और आप इस ऑन ऑफ स्विच की मदद से आप अपनी बिजली का बिल भी बचा सकते हैं और आपका लाइट भी बचा सकते हैं। इसका प्राइस हमने अमेजोन से लिया है, पड़ा है 250 रुपये, यानी 250 रुपये में आप आपकी जो लाइट है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और ये कम से कम इससे इस पर आप 10 एम्पीयर तक की लोड चला सकते हैं। यानी आपका घर के बाहर अगर 4 लाइट रहे या 5 लाइट रहे या 6 लाइट रहे सारे लाइटों को एक डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और ये आपकी सुबह होते ही अपने आप ही बंद हो जाएगा और शाम होते ही फिर से अपने आप चालू हो जाएगा। तो अक्सर हम जैसे कि देखते हैं हमारे जो रास्ते में स्ट्रीट लाइट रहते हैं तो जैसे कि साइड में आप देख सकते हैं स्ट्रीट लाइट किस तरह से शाम होते ही चालू हो जाता है फिर सुबह होते ही बंद हो जाता है, वैसे ही आपके घर का बाहर का लाइट या दुकान के बाहर का लाइट आपसे ऑटोमेटिकली बंद होगा और स्ट्रीट लाइट में खास करके ये चीज लगा हुआ रहता है। तो चलो इससे हम फिटिंग करते हैं। मेरे दुकान के सामने एक लाइट है जहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे दुकान के सामने एक बाहर का लाइट है देख सकते हैं। तो ये लाइट अगर हम रात को स्विच ऑन करके रखते हैं तो सुबह मुझे दुकान खुलने में 10 से 12 बज जाता है तो 10 से 12 बजे तक ये लाइट इस तरह ही जलता रहता है। तो जिसकी वजह से हमने ये अमेजोन से लिया है और आपको भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली इसे यूज़ कर सकते हैं और इसका पैकेट हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं इसका जो पैकेट है और मॉडल नंबर है, आप इसे देख लेना क्योंकि आपको इसे ही मंगवाना है। इस तरह के कई सारे प्रोडक्ट आपको अमेजोन में या फ्लिपकार्ट में मिल जाएंगे लेकिन वो बराबर से काम नहीं करता है। तो आपको ये इसका IPB4 देख सकते हैं, इसका जो मॉडल नंबर है और इसका नाम वगैरह देख सकते हैं, बॉक्स वगैरह हम आपको दिखा रहे हैं, फिर भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक, वहाँ पे आप डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम अभी फिटिंग करते हैं और फिटिंग करने के बाद आपको दिखाते हैं ये किस तरह से काम करता है। यहाँ पर हमने कनेक्शन कर लिया है तो हमने नीचे ला के रखा है ताकि आपको समझने में मुश्किल ना हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बल्ब में 2 वायर गया हुआ है तो ये हमने रेड और ब्लू के साथ 2 वायर लगा दिया है और हमने यहाँ पर जो ब्राउन वायर है इसको सिंगल रखा है। यहाँ पर हम 1 वायर लगाएंगे और इस ब्लू लाइन में लगाएंगे 2रा वायर, आपको रेड वायर में लगाना नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसलिए हमने रेड वायर को यहाँ से टेप मार दिया है तो ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पर आपको 2 कनेक्शन लगाना है, सिर्फ ब्राउन में 1 लगाना है और ब्लू में 1 लगाना है, रेड में बिल्कुल लगाना नहीं है। और साइड में आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीन शॉट भी आपको दे दिया है, वहाँ पर जाके लगा सकते हैं। तो हम ऊपर जाके सिर्फ इस ब्राउन में 1 लगाएंगे और ब्लू में 1 लगाएंगे और टेप मार देंगे और ये हमारा ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट कर दिया है और आपको बिल्कुल इस सेंसर को आपको लाइट के ऊपर लगाना है, आपको नीचे लगाना नहीं है वरना आपका लाइट का जो लाइट यहाँ इस पर लगेगा तो ये बंद हो जाएगा। तो आपको हमेशा लाइट के ऊपर ही लगाना है। तो अभी जैसा कि रात हो बहुत हो चुका है देख सकते हैं, तो जैसा कि हमारा मोबाइल का फ्लैश जल रहा है इसलिए ये लाइट नहीं जल रहा है। तो देख सकते हैं हम फ्लैश में हाथ रखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं हम फ्लैश में यहाँ पर हाथ रखेंगे तो यहाँ पर हमने फ्लैश बंद कर दिया तो देख सकते हैं ये जल गया है। अभी फ्लैश का ऑन कर दिया है तो देख सकते हैं ये बंद हो चुका है, यानी हमारा जो मोबाइल का फ्लैश में इसे लाइट जल रहा है और इसके ऊपर पड़ा है तो ये समझ रहा है कि अभी सुबह हो गए है, ये इसने लाइट को बंद कर दिया। यहाँ पर हम अंधेरा कर देते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने अंधेरा कर दिया तो लाइट ऑन हो चुका है। फिर से हम हाथ हटा लेंगे तो यहाँ पर मोबाइल का जो फ्लैश है इसके पड़ रहा है तो देख सकते हैं ये बंद हो चुका है। फिर से हम यहाँ पर हाथ रखेंगे, देखो ये ऑन हो चुका है तो ये फिर से बंद हो जाएगा। देखो जैसा कि देख सकते हैं तो हम थोड़ा पास लाते हैं क्योंकि मोबाइल का टॉर्च इतना पावरफुल नहीं है, तो देख सकते बंद हो गया है और यहाँ पे हाथ रखेंगे फिर से चालू हो गया है। तो इस तरह से आपकी ये वर्क करेगा, आसानी से आपकी दिन में जो है लाइट को बंद कर देगा और शाम को आपको फिर से चला देगा। तो इस तरह से आप इस जैसा कि हमने कनेक्ट किस तरह से करना है आपको बताया है, इसी तरह से कनेक्ट करके 10-12 लाइट भी चला सकते हैं इसके अंदर, ये 10 एम्पीयर तक की लोड इसमें आपका रखेगा।